हेलो गाइस, आज जो हम पढ़ाएंगे न्यूनेटल रिससिटेशन, ये पूरे वाइवा का, चाहे यूजी का हो पीजी का, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये वाइवा में हर किसी को इससे गुजरना होगा। एक टेबल होगी जिस पे आपको एनआरपी के सारे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, मैनिकिन रहेगा, तुम्हें सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामने प्रोसीजर करवाया जाएगा, आपको कंडीशन दिया जाएगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये वाला पार्ट वाइवा के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो न्योनेटल एनआरपी का मतलब होता है न्योनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम। न्योनेट में कैसे रिससिटेशन करते हैं ये, तो एक्चुअली जो हमारा एक कॉमन धारणा है कि न्योनेटल रिससिटेट कब करते हैं, जब पैदा होगा तभी तो जरूरत पड़ेगी, यही सबसे बड़ी फॉल्ट धारणा है, उसको खास कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ध्यान देना, जो न्योनेटल स्टार्ट फ्रॉम बिफोर बर्थ, यानी बर्थ होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या, जो उसका पहला पॉइंट होता है उसमें शुरू में तीन चीजें देखते हैं, ठीक है। बिफोर बर्थ हम तीन चीजें देखते हैं, पहला एंटीनेटल काउंसलिंग, ठीक है, एंटीनेटल काउंसलिंग क्या मतलब है कैसे। दूसरा चीज है टीम ब्रीफिंग, एक टीम तैयार करना, ठीक है। तीसरा इक्विपमेंट चेकलिस्ट। एंटीनेटल काउंसलिंग मतलब बच्चा पैदा होने से पहले हम सारी प्लानिंग करेंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, लो रिस्क प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कितना रिस्क है, हम कहाँ उसको सीएससी पे डिलीवरी करा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या टर्सरी केयर सेंटर पे, जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो वहाँ पे डिलीवरी करना, उसके अनुसार हम वो करेंगे। एंटीनेटल काउंसलिंग का क्या सिग्निफिकेंस है हम अच्छे समझाएंगे। टीम ब्रीफिंग का हम टीम एक तैयार करेंगे, ठीक है, कैसे मैनेज करना, सीनियरियो रहेगा तो हम क्या करें, कौन रिससिटेट करेगा, कौन अम्बू करेगा, ठीक है, कौन ड्रग का इंजेक्ट करेगा, सर चेस्ट कंप्रेशन कौन अम्बू करेगा, सारी चीज़ें हम टीम ब्रीफिंग, एक लीडर होता है टीम का वो फिर अच्छे से बताएंगे। इक्विपमेंट चेकलिस्ट मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी एनआरपी के लिए, सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए प्लस फंक्शनल होने चाहिए। आपने लेरिंगो रखा है, लेरिंगो की लाइट खराब है, जल ही नहीं रहा, ठीक है, सारा मेहनत बेकार। आपका सक्शन कैथेटर है, सक्शन मशीन खराब है, ठीक है, सक्शन कैथेटर ब्लॉक है, तो पहली चीज तो सारे इक्विपमेंट होने चाहिए प्लस इक्विपमेंट फंक्शनल होना चाहिए। मैंने पहला पॉइंट ही लिखा है एंटीनेटल काउंसलिंग, ये इटसेल्फ बता रहा है कि एनआरपी बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। एंटीनेटल काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे यहाँ या कहीं भी प्रेगनेंसी दो तरीके का होता है, आपने गायनी पढ़ा होगा, प्लान्ड प्रेगनेंसी अनप्लान्ड। प्लान प्रेगनेंसी का हम पहले से, मतलब जो भी मदर फादर होंगे, जो हस्बैंड वाइफ, वो डिसाइड करेंगे कि हमको ऐसे ऐसे, मान लो शादी के दो साल बाद, तीन साल बाद हमको बच्चे का प्लान करना, दोनों अपनी प्लानिंग करेंगे और वो उस तरह से प्रोसीड करेंगे। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से का मतलब यह है कोई प्लानिंग नहीं है, आकस्मिक वो हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ या कहीं भी 90% प्रेगनेंसी क्या होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं, केवल 10% इवन डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर इंजीनियर ये सारे जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है उनमें भी 90% या 50% ज्यादा प्रेगनेंसी अनप्लान्ड होती है। प्रेगनेंसी होती कैसे है, लाइट चली गई, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, इस तरह का अनप्लान्ड, बहुत सारे कारण है, ठीक है। हस्बैंड जी बाहर रहते थे सिटी में, 10 दिन के लिए आए हैं, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई, जो रियलिटी है, ठीक है, इस तरह की प्रेगनेंसी। प्लान प्रेगनेंसी बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसका प्लान अनप्लान में ड्रॉबैक क्या है समझो, अगर प्लान प्रेगनेंसी है तो देखो एक चीज ये समझो, न्यूरल ट्यूब का जो डेवलपमेंट कैसे होता है, न्यूरल ट्यूब के दो पार्ट होते हैं, क्रेनियल पार्ट और कार्डल पार्ट। जो क्रेनियल पार्ट होता है वो 23 से 25 दिन में फ्यूज हो जाता है, ठीक है, फ्यूजन जो होता है 23 से 25 डेट, और जो कार्डल पार्ट होता है 25 से 28 दिन। यानी क्रेनियल ट्यूब का जो डेवलपमेंट है कंप्लीट फ्यूजन 28 डेज तक हो गया, ठीक है, समझो। अब आपका अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी पता कैसे चलती है, अगर प्लान्ड है तो हस्बैंड वाइफ को पता होती है चीजें, ऐसा ऐसा है चीजें, ठीक है। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी मैंने बताया 90% यही होता है, 10% ये होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 28 डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होगा, ठीक है, पीरियड मिस होगा, तब मदर को ये बात पता चलेगा। उसके बाद भी हम एक चीज करते हैं प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है, कि प्लस माइनस 7 डेज आगे पीछे हो सकता है। तो 28 दिन पे मिस हुआ, प्लस 7 दिन आपने वेट किया, 28, 7, 35, 35 डेज पे अब उसको लगा कि नहीं अब डिलेड हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। उसके बाद भी कुछ लोगों के ऐसे होते हैं, अरे मैं अहम ब्रह्मास्त्र वाला ना, मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, ऐसे तो 4-5 दिन और निकाल देते हैं, होता है, ठीक है।
समझोगे बाद में, ठीक है, होता है ऐसा नहीं मान लो तो आप 35 दिन में, 35 दिन तो लगा ही चला गया, 7 दिन प्लस माइनस, अब आपने 35 दिन पे क्या किया, यूपीटी कराया। यूपीटी बोले तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया 35 दिन पे, 35 दिन में पॉजिटिव आया, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन होता, नहीं तो यहीं पे आप क्लियर हो जाए। तो ये कौन से डे पे हुआ, 35 डे, ठीक है। आप समझिए, अगर 28 दिन पे ही न्यूरल ट्यूब का क्लोजर हो चुका है, आपने 35 दिन पे डायग्नोस किया है, तो अब चाहे उसका फोलिक एसिड का एक ड्रम रख के उसी में डुबा दो, कोई असर करेगा फोलिक एसिड? तो जो हमारा फोलिक एसिड का हम क्या करते हैं, याद कैसे करते हैं, 13, यानी एक महीना बिफोर प्रेगनेंसी और 3 महीना आफ्टर प्रेगनेंसी। पहले 33 था, 3 महीना पहले 3 महीना बाद, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको याद कैसे करना है, 13 याद करना है, प्रेगनेंसी के बिफोर 1 मंथ बिफोर और 3 मंथ आफ्टर, प्रेगनेंसी होने के बाद 3 महीने तक फोलिक एसिड देना है। तो जिसका प्रेगनेंसी यहाँ पर है यहाँ लेगा, अगर प्लान प्रेगनेंसी होगा तभी तो एक महीने से हस्बैंड वाइफ प्रेगनेंसी प्लान करें। अब उसने फीमेल ने, जो मदर थी, उसने क्या किया, एक महीने पहले, उसको मान लो अगले महीने हमें बच्चा चाहिए, तो उसने एक महीने पहले फोलिक एसिड लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्लान प्रेगनेंसी में तो कर पाओगे, तो इसीलिए एंटीनेटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। दंपत्ति हस्बैंड वाइफ आए आपके पास, आप एज ए पीडियाट्रिशियन या गायनोलॉजिस्ट आपने काउंसलिंग किया कि ऐसा ऐसा चीज है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बहुत कॉमन है, अगर आप एक महीने बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अभी से मदर को इसको फोलिक एसिड शुरुआत कर दीजिए और एक महीने बाद आप लोग प्लान कीजिए, जैसे भी करके ये चीज करिएगा, तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है भाई। हम जो फोलिक एसिड देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन नहीं देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस आयरन टॉक्सिक होता है, केवल फोलिक एसिड देते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से और सारी चीजें देते हैं। तो फोलिक एसिड का ये सिग्निफिकेंट है, ये चीज जानोगे तब समझ में आए क्यों एक महीना पहले 3 महीना बाद, ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको अगर हम ये चीज नहीं बताते, ये हालांकि एनाटॉमी का पार्ट है, लेकिन इसको एनाटॉमी को मैंने एनआरपी से रिलेट करके ताकि आप अच्छे से समझ पाए, तो ये सिग्निफिकेंस है एंटीनेटल काउंसलिंग। दूसरा एंटीनेटल काउंसलिंग का सिग्निफिकेंट है, बहुत सारे होते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी जैसे फीमेल की हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, ये भी हाई रिस्क, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, ठीक है, या उसको पहले प्रीवियस फीटल लॉस हो चुके हैं, इक्लेम्सिया है, प्री इक्लेम्सिया है, ठीक है, ये सारी चीज बहुत सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो मदर को बता के रखना है, पहले से उसको काउंसलिंग करके रखना है कि आपको जो डिलीवरी करवाना है वो टर्सरी केयर सेंटर पे ही कराना है, टर्सरी केयर, ताकि वहाँ ऑपरेटिव सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं हो, रिसेप्शन की सारी चीजें की सुविधाएं हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर वो पीएससी पे सारी व्यवस्था नहीं, तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एमएमआर क्यों बहुत ज्यादा था इंडिया का, एमएआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है, क्योंकि हमने एनआरपी की बहुत ट्रेनिंग होती, पीडियाट्रिक की बहुत ट्रेनिंग होती रहती, जहां पे काफी चीजें बताई जाती है, इंप्रूव की जाती है। न्यूनेटल रेसिटिव, एक होता बेसिक न्यूनेशन प्रोग्राम, एक होता एडवांस न्यूनेशन, तो दोनों चीज सिखाई जाती है, पीडियाट्रिशियन काफी इंप्रूव, गायनिकोलॉजिकल ट्रेनिंग, और जो जनरल सीएससी पीएससी पे होते हैं उनको भी ट्रेनिंग होती रहती है, जिसके कारण इस समय बहुत इंप्रूव हुआ था। जब हम पढ़ते थे तो शायद इन्फेंट मोर्टेलिटी 40 के आसपास था, आज जाके 20 हो गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जिनका 20 के नीचे करने का ये था, समझे। तो ये तुम्हारा एंटीनेटल पार्ट, अब उसी के साथ डिलीवरी कैसे कराना है, आयरन फोलिक एसिड सारी जांचें सब प्लान तरीके से, 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, मिनिमम 3 होना चाहिए हर ट्राइमेस्टर में एक, ठीक है। जैसे फर्स्ट को क्या बोलते हैं, डेटिंग स्केल, डेट डिसाइड करते हैं, सेकेंड को क्या बोलते हैं, एनामली स्कैन, वेरी गुड, थर्ड को क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्कैन, ग्रोथ इसमें देखते हैं, वेरी गुड, तुम लोग जीनियस हो, कहा, ठीक है। टीम ब्रीफिंग, अब टीम ब्रीफिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लो गायनी में बच्चा रिसेसिटेट किया है, रिसेसिटेट करना उसको पीडियाट्रिशियन को कॉल आना है, तो पीडियाट्रिशियन को टीम तैयार करना है, हो सकता है वो सिंगल बेबी हो सकता है डबल बेबी हो, ट्विन हो सकता है ट्रिपलेट हो, अभी मैंने क्वाड्रिपल तक देखा है, हमारे बीआरडी में 4 बच्चे एक साथ पैदा हुए, 4 हैं, तो क्या एक इंसान एक ही बच्चे को रिसेसिटेट कर पाएगा? अगर 4 बच्चे एक साथ पैदा हो रहे तो 4 चाहिए पीडियाट्रिशियन, 3 एक साथ पर है, 3 2 या 2 1, कभी कभी एक में भी 2 की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए टीम ब्रीफिंग में क्या, एक टीम लीडर होगा, जैसे जो टीम बनेगी, मान लो कोई ट्विन प्रेगनेंसी थी उसमें 2-3 या ट्रिपलेट था, 3-4 लोग थे,
उसमें एक टीम लीडर होगा। टीम लीडर क्या करेगा, डेलीगेट टास्क, सबको टास्क बताएगा कि आपको अंबू करना है, आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है, आपको ड्रग लगाना है, ये सारी चीजें अच्छे से उसका काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक होता है इवेंट रिकॉर्डर, इवेंट रिकॉर्डर मतलब कौन से टाइम पे इतने बजे बच्चा पैदा हुआ, इतने टाइम पे बैग एंड मास्क करना पड़ा, इतने समय के लिए बैग एंड मास्क करना पड़ा, जितने भी इवेंट होंगे एक पेपर पे वो इवेंट रिकॉर्डर होगा। तो टीम ब्रीफिंग में क्या करना है, टीम लीडर होगा, डेलीगेट टास्क करेगा, सबको अपना काम बताएगा, इवेंट रिकॉर्डर सारी चीजें वो करके बताएगा ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आपका एंटीनेटल काउंसलिंग हुआ, टीम ब्रीफिंग हुआ, उसके बाद इक्विपमेंट चेकलिस्ट। मैंने बताया इक्विपमेंट, एक तो सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, आपके पास अम्बू बैग होना चाहिए, सेल्फ इन्फ्लेटिंग अम्बू बैग होना चाहिए अपने आप, उसके सारे वाल्व फंक्शनल होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्लीन होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होता है 8 और 10 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर होना चाहिए, वो फंक्शनल होता है। अगर इंटूबेट करना पड़ा तो लेरिंगोस्कोप होना चाहिए, 0 और 0.1 का ब्लेड होना, स्ट्रेट ब्लेड यूज करते हैं। प्लस अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्रीटर्म है तो उसको 00 बहुत छोटा ब्लेड होता है उसको, लेरिंगोस्कोप बैटरी सही होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनल होना चाहिए। और अगर लेरिंगोस्कोप चाहिए तो उसके साथ इंटूबेट कर ईटी होना चाहिए, इंडोट्रेकियल ट्यूब होना चाहिए 2.5 से लेकर 4 मार्क, मतलब इंटरनल डायमीटर के बेसिस पे ईटी की साइज होता है 2.5, 3, 3.5, 4, ये ईटी का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेडिकेशन होना चाहिए, ड्रग्स एड्रेनालिन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, और मतलब एनएस की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल सलाइन की जरूरत पड़ेगी, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स और ऑलरेडी प्रिपेयर ड्रग होना चाहिए, वहां पे बनाने का टाइम नहीं होता है, प्रिपेयर तरीके से रखे होना चाहिए, बस इसमें लेबलिंग के साथ तुरंत उठा के काम करना। मान लो किसी को लास्ट में जरूरत पड़ती है तो अम्लाइकल, तो एसेप्टिक अम्लाइकल कैथेटर होना चाहिए, जो आप अम्लाइकल कैथेटर डाल के प्रोसीजर कर सको, ठीक है। सक्शन के लिए सक्शन कैथेटर होना चाहिए, बल्ब सिरिंज होना चाहिए, एक उसको जैसे राइज ट्यूब होना चाहिए, राउल्स ट्यूब डालना पड़ता है, उसको चेक करने के लिए 20 ml के सिरिंज होना चाहिए, ठीक है। सक्शन कैथेटर और सक्शन जहां से यूज करोगे सक्शन मशीन होना चाहिए, अगर आपका वहां पे जो वाल में सक्शन कैथेटर होता है उसका प्रेशर 80 से 100, ये प्रेशर बहुत पता कितना 80 से 100 होता है प्रेशर, ज्यादा प्रेशर करोगे तो नेजल डैमेज कर देगा। और जैसे उसमें सक्शन क्या होता है, पहले माउथ करना है फिर और नोज करना है, एम पहले आता है एन बाद में, हम ऐसे याद करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब इक्विपमेंट की बड़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है, सारे कहने का मतलब सिर्फ इतना याद करो, सारे इक्विपमेंट रेडी होने चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए और एट द साइट ऑफ रिससिटेशन अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। तो रिससिटेशन का पहला पॉइंट है जो कि बिफोर बर्थ सब कुछ रहना होना चाहिए, वो होता है 3 चीजें बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ क्या देखेंगे कि गायनी का काल आने से पहले, ठीक है, एंटीनेटल काउंसलिंग पहले से कर रहे गायनी वाले करते रहेंगे, टीम ब्रीफिंग पीडियाट्रिशियन सब तैयार करेंगे, इक्विपमेंट चेकलिस्ट ये पीडियाट्रिशियन अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने सब कुछ एंटीनेटल काउंसलिंग कर लिया, टीम ब्रीफिंग का इक्विपमेंट रेडी हो गया, अब आप एज ए पीडियाट्रिशियन गायनी में पोस्टेड हैं और गायनी वालों को काल है, सर एक बच्चा है उसको रिससिटेट करना है, आप आ जाइए। अब जब आपके पास काल आया तो काल को सुनिए, या सामने से कोई आया तो आपको 4 प्री बर्थ क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, उससे 4 क्वेश्चन पूछने हैं। 4 क्वेश्चन को मैंने गाऊ निमोनिक से याद किया, जी से गैस्टेशनल एज, पहला पूछा उसका गैस्टेशनल एज क्या है, मतलब हमें जानना है प्री टर्म है कि टर्म। ऑब्वियसली अगर प्री टर्म है तो रिस्क अपने आप बढ़ गया, टर्म है तो रिलेटिवली कम रिस्क हुआ। एक्चुअली प्री टर्म टर्म में ना यहाँ पे ज्यादा ध्यान ना देके हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 35 वीक से कम है, 35 वीक या उससे ज्यादा है, ठीक है, ये क्वेश्चन। दूसरा पूछा हमने पूछा अमनियाटिक फ्लूड कैसा है, ठीक है, अमनियाटिक फ्लूड कैसा है, अल्ट्रासाउंड पे भी देखते हैं और मान लो पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें जो और सारी चीजें होता है उसका मतलब बेसिकली ये है, हम देखते हैं क्लियर है, म्यूकोनियम स्टैंड है, पोली या ओलाइगो हाइड्रोमनियास तो नहीं है। पोली ओलाइगो हाइड्रोमनियास का 2 डिफिनेशन है, एक तो टोटल अमाउंट अगर कितने हो जाए 2 लीटर से ज्यादा या 200 ml से कम, ये है। एक होता है एमनियाटिक फ्लूड इंडेक्स, उसके बेसिस पे 2 से कम 8 से ज्यादा, ये गायनिक डिफिनेशन आई थिंक सबको, 2 लीटर 200 से कम कम है ओलाइगो ज्यादा, ठीक है। दो जो हाईएस्ट सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर का पॉकेट होगा उसको पॉकेट के लेंगे, ठीक है, अगर एमनियाटिक फ्लूड इंडेक्स 2 से कम 2 या 2 से कम तो ओलाइगो, 8 या 8 से ज्यादा तो
पॉली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गायनी के क्वेश्चन है, अब वैसे शेयर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमनियाटिक फ्लूड देखेंगे, क्लियर है म्यूकोनियम स्टेन है पॉलीओलाइगो। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिशनल रिस्क फैक्टर, एडिशनल रिस्क फैक्टर क्या है मदर में, ठीक है। चौथा एडिशनल अभी बता रहे हैं, अम्लाइकल कार्ड मैनेजमेंट प्लान, चौथा ये अम्लाइकल कार्ड मैनेजमेंट प्लान ये एट्थ एडिशन में एड हुआ है, सेवंथ में नहीं था। तो ये पहला जो चेंज है फॉर प्री बर्थ क्वेश्चन में, जो पिकनिक व पी बताया था, पी से है प्री बर्थ क्वेश्चन, प्री बर्थ क्वेश्चन में क्या चेंज है, एमनियाटिक फ्लूड कार्ड अम्लाइकल कार्ड मैनेजमेंट प्लान एड हुआ है। पहले क्या था TTA, टी से था कि ट्विन है, टर्म है कि प्री टर्म है, दूसरा एक टी से था ट्विन है कि सिंगल है बेबी, ठीक है, दो ए थे, एक से था एमनियाटिक फ्लूड था, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक ए से एडिशनल रिस्क फैक्टर, ठीक है, TTA, ठीक है। तो अम्लाइकल कार्ड मैनेजमेंट प्लान एड किया गया है, जो ट्विन वाला था, ट्विन वाला तुम्हें लगेगा खत्म कर दिया, खत्म नहीं, वो एडिशनल में आ गया, सिंगल प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी वो एडिशनल के अंदर आ गया, तो इसमें अम्लाइकल कार्ड मैनेजमेंट प्लान एड किया गया है, ये पहला चेंज है, ठीक है। अब अम्लाइकल कार्ड मैनेजमेंट जैसे दो तरह, अम्लाइकल कार्ड क्लैंपिंग करना है तो अर्ली होता है और डिलेड होता है, अर्ली अगर एक मिनट के अंदर कर दिए तो अर्ली बोलते हैं, अगर विद इन वन मिनट कर दिए तो अर्ली बोलते हैं, एक मिनट, एक से तीन मिनट, एक तीन मिनट तक तो कर ही देते हैं, एक से तीन मिनट या एक मिनट के बाद करते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा 60 सेकेंड, सेम चीज है, तो उसको डिलेड बोलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं 30 सेकेंड भी लिखा है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, 30 सेकेंड भी लिखा है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है एक मिनट है, ठीक है, कहीं कहीं ये 30 सेकेंड से ज्यादा हो वो भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना, मल्टीपल जगह देखने के बाद मेरा अभी का व्यू यही है, ठीक है, एक मिनट से ज्यादा एक मिनट से कम, तो 30 सेकेंड कहीं कहीं लिखा होगा 30 to 60 सेकेंड और वो एक मिनट से ज्यादा, तो 30-60 एक एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, समझ लो, तो एक मिनट लेके चलना है। तो कहाँ कहाँ अर्ली कार्ड क्लैंपिंग कुछ ही कंडीशन जहां करते हैं, बाकी रेस्ट जगह हर जगह डिलेड कार्ड, जैसे मैंने लिखा है पीपी प्लेसेंटा प्रीविया, एक पहला कंडीशन है जहां अर्ली कार्ड क्लैंपिंग करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एपी मतलब एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा है बीपी वासा प्रीविया, वासा प्रीविया, और चौथा कंडीशन नियोनेट नीड रिससिटेशन, नियोनेट एकदम सीक है, अब पता लगा तुम एक मिनट इंतजार कर रहे हो उतने तो गड़बड़ा जाएगा, डिलेट कराई, बच्चा कराई नहीं क्या, अम्बू बैक करना है उसको, रिससिटेट करना, जल्दी से उठा के कार्ड पे रखना है रेडिएंट वार्मर को, रिससिटेट करना, वहां इंतजार नहीं करना है एक मिनट के बाद हम कार्ड क्लंपिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर नियोनेट नीड रिससिटेशन तो आपको मतलब एक मिनट के अर्ली कर देना है, अर्ली करके और स्टार्ट कर देना है। तो चार कंडीशन याद करना, रेस्ट अदर, आपको बहुत सारे कंडीशन देंगे कि एक नियोनेट है उसको कांजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो तुम्हें अरे यार तो CHF में चला जाएगा, उसको नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलेट करना है, ठीक है। एक बच्चा है उसकी मदर HIV है, बच्चे को HIV हो सकता है, क्या करेंगे, मदर का ब्लड आता है ना, तो कहें सीधी सी फाट जी हाँ HIV से हो सकता है 10 साल बाद मरे, वो पहले मर जाएगा HIV का रिस्क नहीं, तो HIV है कंडीशन तुम्हें गुमराह करने के लिए देता रहेगा कि कांजेनाइटल हार्ट डिजीज है और उसको HIV है मदर को, ठीक है, क्या करोगे, डिलेड करोगे, चार कंडीशन, इन चार कंडीशनों में भी ठीक है डाउटफुल वो है, डाउटफुल है, डाउट ऑफ बेनिफिट इनको दिया जाता है, बाकी इसमें भी अगर उसको कर दो तो बहुत ज्यादा इशूज नहीं है। तो चार लिख याद कर लेना अर्ली के, बाकी सब डिलेड कार्ड क्लैंपिंग करते हैं। अब हमारा एडिशनल रिस्क फैक्टर जो बचा था, एडिशनल रिस्क फैक्टर में इंट्रापार्टम और एंटीपार्टम, एंटी मतलब बिफोर बर्थ के पहले और इंट्रापार्टम ड्यूरिंग बर्थ, तो ड्यूरिंग बर्थ क्या हो सकता है, उसको LSCS करना पड़ जाए, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, उसको वैक्यूम डिलीवरी करना पड़े, वैक्यूम का यूज करना पड़े, हो सकता है उसको फोर्सेप्स डिलीवरी करना पड़े, ठीक है, हो सकता है वो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो, मतलब ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो, तो ये सारे इंट्रापार्टम पैदा होते समय रिस्क फैक्टर हैं।
एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, मदर हाइपरटेंशन है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज है, माइक्रोसोमिया बच्चा हो सकता है, मदर को प्रीक्लेम्सिया है, प्रीक्लेम्सिया है, मदर को इक्लेम्सिया है, ठीक है, बच्चा जो है आयुजीआर हो या माइक्रोसेमिया है उसके रिस्क फैक्टर अलग होंगे, पोली या ओलाइगोहाइड्रेमियास है, ठीक है, प्रीटर्म या टर्म है, ये भी एडिशनल रिस्क फैक्टर में, प्रीटर्म 35 वीक से कम है ये एडिशनल में, ट्विन है कि सिंगल बेबी है, लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो आपको एडिशनल रिस्क फैक्टर में बहुत सारे हैं, एक एक चीजें याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको एंटीपार्टम में और इंट्रापार्टम में क्या क्या चीजें आते हैं मैंने एक व्यू दे दिया है, इसमें किसी को डाउट तो ये सारी चीजें हमको गेस्टेशनल एज पूछना है गायनी वालों से, एमनियाटिक फ्लूइड का देखना है कलर क्या है, म्यूकोनियम स्टेन है, पॉली है, ओलिगो, एडिशनल रिस्क फैक्टर में उसे वो खुद बताएगी कि सर प्रीक्लेम्सिया है, ठीक है, या एक्लेम्सिया है, या उसको एब्रेप्सियो प्लेसेंटा था, ये सारी चीजें वो अपना बता देंगी। तो कोई रिस्क तुम्हें से पूछा क्या क्या रिस्क फैक्टर, कोई रिस्क फैक्टर है क्या, तो गायनी वाले अपने उसमें वो सब चीजें एसेस किए रहते हैं, वो चीज बताएंगे, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान तुम्हारा होगा, वो तुम वहां पे डिसाइड करोगे, अगर पीएससी वाली चीजें बता रहे तुम्हें प्लान पहलेस करना है, प्लेसेंटा प्रीविया पहलेस प्लान करना है, एक मिनट के अंदर करना है, ठीक है, नहीं तो ये करना है। तो पहला क्या था, एंटी या बिफोर बर्थ, तीन चीजें था, उसका निवन एट ईट एट